औरंगाबाद में भी स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की धूम रही। मुख्य समारोह का आयोजन गांधी मैदान में हुआ, जहां जिला पदाधिकारी सौरभ जोरवाल ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराया और उसे सलामी दी। साथ ही उन्होंने परेड का भी जायजा लिया। अपने संबोधन में डीएम ने सरकार की तरफ से चलाई जा रही कई कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि वीर शहीदों की कुर्बानियों की वजह से ही आज हम आज़ाद हैं और यह सब कुछ संभव हो सका है। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर जिले के कई स्थानों पर लोगों ने तिरंगे झंडे को फहराया और उसे सलामी दी। हम सर्वप्रथम उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने अपने अदम्य साहस देशभक्ति के बल पर हमें विदेशी दासता से मुक्ति दिलाई थी। साथ ही हम भारत माता के उन वीर सपूतों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो हाल ही के दिनों में सीमा पर हमारी मातृभूमि की अस्मिता की रक्षा के लिए शहीद हुए हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारे राष्ट्र के स्वतंत्रता संप्रभुता एवं एकता का प्रतीक है। इसमें हमारा राष्ट्रीय गौरव झलकता है। इस तिरंगे झंडे को सरकारी सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिष्ठापित करने के प्रयास में प्राचीन भारत में हमारे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण न्योछावर किए थे। हमारे जिले के ओबरा प्रखंड के खराटी ग्राम के 19 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी जगतपति कुमार ने पटना सचिवालय गेट पर 11 अगस्त 1942 को तिरंगा झंडा फहराया था और उस क्रम में वे शहीद हो गए थे।